कि आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित आदरणीय काशी लखमा जी, प्रभारी मंत्री, बस्तर दशहरा के अध्यक्ष भाई दीपक भाई जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, राज्यसभा सदस्य कुलदीप नेताम जी, राजमन बेंजाम जी, भाई राजीव शर्मा जी, रवि घोष जी और हमारे यहाँ के स्थानीय नगर के विधायक और संसदीय सचिव भाई रेखचंद जैन जी, भाई मिथिलेश जी, महापौर सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, सभापति, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी हमारे सब साथीगण, यहाँ के एमआईसी मेंबर और पार्षदगण और इस वार्ड के पार्षद इमरान खान जी और सभी हमारे पार्षदगण और सभी उपस्थित भाइयों बहनों और बहुत देर से देख रहा हूँ बच्चे लोग खूब आनंद ले रहे हैं। सारे बच्चों को ढेर सारा स्नेह प्यार और सभी पत्रकार साथी का। देवी मढ़ई में बस्तर के कोने कोने से आए पधारे सभी देवी देवताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उनका जयकारा करता हूँ। हमारे बस्तर की संस्कृति लोक आस्थाओं की संस्कृति है। अनेक देवी देवता यहाँ साक्षात विराजते हैं। मैं गांव-गांव में विराजे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। बस्तर दशहरे में दंतेश्वरी माई से जब दंतेवाड़ा से जगदलपुर में उनकी पालकी आती है, दंतेश्वरी माई विराजते हैं, तो बस्तर के जितने भी देवी देवता हैं वो भी यहाँ पधारते हैं, विराजते हैं। और जब दशहरा एक ऐसा उत्सव जिसमें पूरे बस्तर के देवी देवता एक साथ पधारते हैं और यहाँ इस बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में न केवल बस्तर के लोग, प्रदेश और देश के और विदेश के लोग भी यहाँ एक साथ जुटते हैं, मैं सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए सभी यहाँ बस्तर वासियों का अभिनंदन करता हूँ, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। दशहरा में पहली बार देवी मढ़ई का आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं भाई रेखचंद जी को, भाई दीपक भाई जी को, कलेक्टर को, नगर निगम प्रशासन को, हमारे सभी महापौर सभापति और सभी पार्षदों को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया एक आयोजन किया है और इस जगह को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। दशहरा तो 15 तारीख को ही समाप्त हो गया था, लेकिन अब जो सजावट है ऐसा लग रहा है कि बस्तर में दीपावली पहले आ गई, बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल, चारों तरफ जगमग जगमग प्रकाश और लोगों के मन में उत्साह। तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं सभी इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक नई परंपरा की शुरुआत आप करने जा रहे हैं और जो लोग अभी इस आयोजन के पीछे जिनका जिनकी सोच रही है और जिस जो लोग इसको कार्य रूप में परिणित किए हैं और सब लोगों को इसे जोड़ने का जो काम किया है वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि सन 2021 में कोरोना काल के समाप्ति पर देवी मढ़ई का आयोजन इस प्रसिद्ध स्थल पर किया गया है। तो निश्चित रूप से सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देवी मढ़ई के आयोजन में बस्तर की सांस्कृतिक झांकी की व्यवस्थित रूप देते हुए पहली बार लोक गायक, लोक वादक, लोक नर्तक, लोक शिल्पकार को पंडाल में मंच दिया गया है। मैं सभी कलाकारों और शिल्पकारों को इस मढ़ई में स्वागत करता हूँ। बस्तर के स्थानीय व्यंजन, स्थानीय शिल्प, स्थानीय उत्पादों का भी
इस लोक मड़ई में प्रदर्शन किया गया है। निश्चित ही बस्तर दशहरा देखने आने वाले पर्यटक इनके बारे में भी आसानी से और विस्तार से जान पाएंगे। हमारा शिल्प और हमारे उत्पादों के लिए नए बाजार की तलाश करने में भी लोक मड़ई मददगार होगी। इस समय जब बस्तर आए हूँ बहुत सारी सौगातें लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज ही आसना के बस्तर अकादमी फॉर आर्ट लेक्चर एंड लैंग्वेज बादल का लोकार्पण किया गया। यह अकादमी बस्तर का नया गौरव होगी। सारे इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृति जो बस्तर में अलग अलग जातियों में जो अपनी संस्कृति रहती है, जो पहचान है, वो एक दूसरे के करीब लाने का अवसर और एक दूसरे को जानने और पहचानने में सुविधा होगी। आपस में संवाद बढ़ेगा। आज ही बस्तर में बस्तर आर्ट गैलरी की भी स्थापना की गई। इसके माध्यम से भी बस्तर की कला और संस्कृति को समझने में लोगों को मौका मिलेगा। बस्तर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लालबाग में हाई मास्ट लाइट भी से जगमग किया गया है। अभी अभी गोल बाजार जो 100 साल से भी पुराना है, इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी भूमि पूजन किया गया है। बहुत सुंदर और व्यवस्थित ढंग से इस बाजार को बनाया जाएगा, नए आकर्षक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं को क्रेताओं को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन वहाँ जो व्यवसायी हैं उनको भी लाभ होगा। मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ। आज सुबह मैंने मुरिया दरबार में बस्तर के कोनों कोने से आए माझी चालकी मुखिया मेंबर मेमरों से भी बातचीत की। आसना में सभी समाज के प्रमुखों से भी बातचीत की। आम नागरिक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, उद्योगपतियों से भी मैंने बात की। कल भी बस्तर रहूंगा, कल भी लोगों से मुलाकात होगी। बस्तर दशहरा केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारे लिए ऐसा अवसर है जिसमें हम सब मिलकर बस्तर के दिशा तय करते हैं, आने वाले दिनों की अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मुझे याद है जब 2019 में हम लोग यहाँ आए थे बस्तर दशहरा में, तो हमारे भाई रेखचंद जी ने, शायद यही मंच होगा, सामने मंच बना था, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो महारानी अस्पताल है उसे शिफ्ट ना किया जाए और उसे सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। वो महारानी अस्पताल बन के तैयार हो गया, लोगों को सुविधाएं 6 महीने के भीतर में बना के दिए और उसकी सुविधाएं आप ले रहे हैं। उसी प्रकार से दलपत सागर से जगदलपुर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसे सफाई के लिए, उसके संरक्षण के लिए कितने संगठनों ने, कितने समाज के लोगों ने, यहाँ के नगरवासियों ने कितनी मेहनत की थी। आज दलपत सागर बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, जो हमारे जगदलपुर के पहचान बनी है, और इतने खूबसूरत जो तालाब है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार के द्वारा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कर दिखाया गया है। इसी प्रकार से हमको जगदलपुर को, बस्तर को सजाना है, संवारना है और यहाँ के लोगों के उन्नति और विकास के कार्य करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक और बात कहते हुए, चूंकि बस्तर अकादमी ऑफ आर्ट डांस एंड लिटरेचर के हम शुरुआत तो कर दिए हैं, लेकिन इसके संचालन के लिए भी रेगुलर बजट में शामिल किया जाएगा। अभी तक के राजनांदगांव में संचालित नाचा केंद्र तथा रायगढ़ में संचालित चक्रधर कला केंद्र के बाद यह राज्य का तीसरा संस्थान होगा जो संस्कृति विभाग से वित्त पोषित होगा। मैंने शब्दों के साथ, चूंकि वो कला केंद्र हम लोगों ने खोले हैं,
वो लगातार संचालित हो, इसलिए आने वाले बजट में इसको संस्कृति विभाग से जोड़ा जाएगा ताकि वित्त पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बस्तर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे कलाकार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी उसका आनंद लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।